हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सबस्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस डॉल केक जो हमने प्रेशर कुकर में बनाया है। और ये डॉल केक मैंने मेरी बेटी के बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया है। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं उसके लिए डॉल केक बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने बनाया है और बहुत ही आसान विधि से बनाना बताया है। काफ़ी किफ़ायती दर पर ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जब भी हम इसे मार्केट में लेते हैं तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप इस डॉल केक को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको मेरा ये डॉल केक का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए अब हम जल्दी से ये सुंदर सा डॉल केक बनाना शुरू करते हैं। एगलेस डॉल केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप फ्रेश दही, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 2 कप नमक, केक बेक करने के लिए 1/2 ग्लास दूध, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब सबसे पहले जिस बर्तन में हम केक बेक करेंगे उसे ग्रीस करके रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर देंगे। अब इसे इस तरह से फैलाते हुए सभी तरफ मैदा लग जाए इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। तो क्या होगा कि जब हम केक बेक करेंगे तो हमारा केक जो है वो बॉटम में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीसिंग करने के बाद मैदा इस पर अप्लाई कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है, गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। और अब हमने ये जो नमक लिया है 2 कप, ये नमक को हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड कर देने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरह की एक रिंग ली है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। यदि आपके पास ना हो ऐसी रिंग तो आप किसी कटोरी या फिर स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो केक के बैटर का बर्तन रखेंगे वो डायरेक्ट इसके कुकर के बॉटम में नहीं टच होना चाहिए। और अब इसके बाद हम कुकर का लीड कवर करेंगे, तो मैंने इसमें विसल का यूज़ नहीं किया है और रिंग भी नहीं लगाई है। और अब हम इसे बंद कर देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। और अब हमारा कुकर प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम केक का बैटर रेडी कर लेंगे। तो इस बर्तन में सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। इस तरह का एक विस्कर ले रखा है, इससे हम इसे विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और अब इसमें हम हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डालकर छान लेंगे। तो यहाँ मैंने ये मैदा ऐड कर लिया है, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। इस तरह से छानने से क्या होगा, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, 2 से 3 बैचेस में डालकर इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और अब इसके बाद ये जो हमने मिल्क लिया हुआ है, ये मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, पहले आधा डालें उसके बाद इसे मिक्स कर लें। इसमें पहले वैनिला एसेंस ऐड कर लेंगे, इसके बाद ये जो हमारा मिल्क बचा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे और अब इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो ये देखिए, हमारा केक का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसे फटाफट से हमारे ये केक टिन जो हमने ग्रीस करके रखा है इसमें हम इसे शिफ्ट कर देंगे। और बैटर इसमें शिफ्ट कर लेने के बाद इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे हम, ताकि इसमें एयर बबल्स हट जाएं। और अब ये जो कुकर हमने प्रीहीट करने रखा था इसे हम ओपन करेंगे। अब इसमें बहुत ही केयरफुली हमें हमारा केक का पॉट रख देंगे और अब हम फिर से इसकी लीड कवर कर देंगे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे, लेकिन बीच में एक बार 25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। और अब लगभग 25 मिनट बाद एक बार हम हमारा केक चेक कर लेंगे। वाओ, बहुत ही अच्छा बना है हमारा केक। और अब एक टूथपिक की हेल्प से हम इसमें पिंच करेंगे
और अगर ये बिल्कुल बाहर आ जाए बिल्कुल क्लीन, मतलब हमारा केक बेक हो चुका है, लेकिन ये अभी मुझे हल्का सा नरम लग रहा है अभी, तो इसका मतलब इसे हमें थोड़ी देर और बेक करना है। लेकिन यदि आपका केक पक जाए, आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर आ जाए, तो आप इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। मैं इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और बेक होने दूंगी। और अब 5 मिनट बाद फिर से हम एक बार हमारा केक चेक कर लेंगे। टूथपिक की हेल्प से मैं इसे चेक कर लूंगी। तो ये देखिए, इस टाइम ये बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, इसका मतलब मेरा केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुका है। मैं फिर से इसका लीड कवर करूंगी। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे कुकर से बाहर निकालेंगे। और अब 10 मिनट बाद वाओ, ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पर मैंने एक थाली ले ली है जिसे हम इसे उल्टा करके इस तरह से पलटाएंगे। लेकिन पहले आप, अगर आपका अच्छे से ना निकले तो इसके एजेस नाइफ से या किसी स्पून से इसे आप चारों तरफ घुमा देंगे नाइफ, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट बना हुआ है ये। अब हम इसे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, हमें रूम टेम्परेचर पे ही हमें इसे ठंडा होने देना है। और इसके बाद फिर हम इस पर आइसिंग करके इसे, इसका डॉल केक रेडी करेंगे। और अब 7 से 8 घंटे बाद हमारा केक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, और अब हम इस पर आइसिंग करके इसको डॉल का रूप देंगे। तो इसके लिए पहले हमें केक को बीच में से कट करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए या तो नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह के थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड को लपेटने के बाद इसे धीरे धीरे से आप इस तरह से पुश करेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से केक हमारा कट होते चलेगा। और अब इसको बहुत ही सावधानी से हम उठाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कट हुआ है इक्वली, और हमारा केक भी बहुत अच्छी तरह से स्पंजी बना हुआ है। और अब हम इस पार्ट को एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब पानी लिया है और इसमें लगभग 2 टीस्पून में पिसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। आइसिंग करना शुरू करेंगे तो इसके लिए यहाँ मैंने एक दूसरी थाली ले ली है। इस थाली को हम उल्टी रखेंगे। यदि आपके पास टर्न टेबल नहीं हो तो इस पर भी बहुत अच्छी तरह से आइसिंग हो सकती है। केक का जो ऊपरी सतह थी वो हम नीचे रखेंगे, और अब इस पर ये जो शुगर और पानी का हमने लिक्विड तैयार किया है वो सभी तरफ अच्छे से ऐड कर देंगे। इससे केक जो है वो मॉइस्ट रहता है, आपको सूखापन नहीं लगेगा केक में। और अब यहाँ पर मैंने ये व्हिप्ड क्रीम रेडी करके रखी है घर पर ही, लेकिन ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप मार्केट की क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस पर व्हिप्ड क्रीम अप्लाई करेंगे और अब इसे इस तरह के स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे सब तरफ। और अब इसके बाद ये जो हमारा केक का दूसरा पार्ट था, हम इस पर भी थोड़ा सा ये शुगर का सिरप ऐड कर लेंगे। इसे भी हम इस पर धीरे से टर्न कर देंगे इस तरह से। बहुत जोर से आप पुश नहीं करें, नहीं तो क्रीम पूरी बाहर आ जाएगी। अब इसके बाद फिर से हम इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे और अब हमें इसे सब तरफ अच्छी तरह से बिल्कुल इस केक को कवर कर देना है इस क्रीम से। ये देखिए इस तरह से क्रीम अप्लाई कर देने के बाद अब हम इस पर डॉल अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए डॉल अप्लाई करने के लिए मैं इस तरह की डॉल लेकर आई हूँ। आप अपने चॉइस की जो भी आपको पसंद हो वो डॉल ले सकते हैं। और अब इस डॉल को हम इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से पुश कर देंगे इस तरह से। और अब हम इस पर आइसिंग शुरू करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं मेरी व्हिप्ड क्रीम निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर मैं फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैंने हल्का रेड कलर लिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। और अब इसमें जितना डार्क आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें कलर ऐड कर दें और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये देखिए ये शेड बहुत ही अच्छा आया है मैंने जो चूज़ किया है। और अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें मैंने स्टार नोज़ल का यूज़ किया हुआ है और अब हम इसमें हमारी क्रीम ऐड करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम इसे पहले निकाल कर देख लेंगे और अब हम इस पर आइसिंग करना शुरू करेंगे। और अब इस तरह से इस पर हम फ्लावर्स बनाते जाएंगे। इसे इस तरह से टर्न करते जाएं प्लेट को और इक्वल साइज के इस पर फ्लावर्स बनाते जाएं। और अब इसी तरह से हम हमारे सारे फ्लावर्स इसमें बना लेंगे। देखिए सभी तरफ आइसिंग कर ली है हमने बहुत ही अच्छी तरह से। और अब यहाँ मैं ग्लास ले रही हूँ, उस पे कि ये दूसरा मैंने पॉलिथिन लिया हुआ है, सेम कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। नीचे से इस पर हम हल्का सा कट कर लेंगे, पहले निकाल कर देख लें ये ठीक है। हमें छोटे छोटे डॉट्स देने हैं, इस पर डिज़ाइन बनानी है, इसके लिए इतना शेप ठीक है। हम इसका टॉप एरिया बनाएंगे। देखिए हमारी इतनी आइसिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसका हल्का सा टचअप करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस कोन में ग्रीन कलर से व्हिप्ड क्रीम भर ली है और अब इस पे जहाँ जहाँ हल्के हल्के से गैप दिख रहे हैं वहाँ पर हम ग्रीन कलर से इसे कवर अप कर देंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ एक दो इस तरह के स्टार्स रखे हैं मेरे पास, ये मैं इस पर ऐसे इस तरह से लगा दूंगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए कितनी प्रीटी लग रही है हमारे डॉल बनकर। और अब इसके बाद ये जो एक्सेस क्रीम हमारी लग गई है डेकोरेट करते टाइम, इसे टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे हम क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा डॉल केक बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हुआ है ये। मार्केट में इसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है लेकिन घर पे आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आप ये डॉल केक घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।